सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने शनिवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिला में एक आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ करते हुए हथियार और गोला बारूद का जखीरा बरामद किया। बल के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। प्रवक्ता ने बताया कि मंडी कस्बे से 10 किलोमीटर दूर हांडी गुड्डा के दोबा मोहल्ले वन क्षेत्र में तलाशी अभियान के दौरान आज दोपहर इस ठिकाने का पता चला। उन्होंने बताया कि खास खुफिया जानकारी मिलने के बाद बीएसएफ ने तलाशी अभियान शुरू किया, जिसके बाद इस ठिकाने से एक AK-47 राइफल, 3 चीनी पिस्टल सहित काफी संख्या में कारतूस और 4 हथगोले बरामद किए गए। ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया हाड़ी बुड्डा एरिया में, जो पुलिस स्टेशन मंडी की जुरिडिक्शन में आता है। सर्च ऑपरेशन जो है वो इसमें SOG पुंछ, उसके साथ साथ 183 BSF बटालियन और 16 RR ने ये जॉइंट सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया। और ड्यूरिंग सर्च ऑपरेशन जब फॉरेस्ट एरिया में सर्च कर रही थी सर्चिंग पार्टीज, तो एक हाइड आउट मिली। उस हाइड आउट को जब सर्च किया गया, उसमें से एक AK-47 राइफल, उसके साथ 3 मैगजीन हैं, 3 चाइनीज़ पिस्टल हैं, उसके साथ 5 उसकी मैगजीन हैं, हैंड ग्रेनेड हैं 4, UBGL है और हैंडसेट है, प्लस कुछ एम्यूनिशन जो है वो बरामद हुआ है। ये एरिया जो है वो मिलिटेंसी के दौरान काफ़ी इन्वेस्टेड रहा और वहाँ पे अक्सर इस तरह के सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च करते रहते हैं। तो सर 26 जनवरी के दौरान हम लोग अपने ऑपरेशन जो है वो इंटेंसीफाई करते हैं, पेट्रोलिंग और सर्च ऑपरेशन जो है वो चलते रहते हैं और उसी का नतीजा है कि आज ये रिकवरी जो है वो हो पाई है। तो सर कितना ये पुराना हाइड आउट ही लगता है, क्योंकि ये मिलिटेंसी के दौरान काफ़ी इन्फेस्टेड एरिया रहा है और इनके जो रिकवरी से देखकर लगता है कि ये पुराना ही हाइड आउट है। पुंछ से सन्नी शर्मा, अलर्ट इंडिया न्यूज़।